द्विघात समीकरण 4x²-4√3x+3=0 का विविक्तर ज्ञात करें और इसमें निकालना है मूलों की प्रकृति बताएं। और इसी का तीसरा क्वेश्चन है, यदि मूल का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात करें। क्वेश्चन दिया है यहाँ पे देखिए, और इसको कैसे सॉल्व करेंगे और तीनों क्वेश्चन का आंसर देना है। तो चलिए सॉल्व करके हम दिखाते हैं आपको। देखिए सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया है उसको हम लोग लिख लेते हैं। दिया है यहाँ पे देखिए 4x²-4√3x+3=0। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं विविक्तर। विविक्तर निकालने के लिए फॉर्मूला होता है, देखिए क्या होता है, फॉर्मूला होता है d=b²-4ac। अब यहाँ पे देखिए b कहाँ से लाइएगा, a और कहाँ से लाइएगा और c कहाँ से लाएंगे, तो इसी में सब है। देखिए a बराबर चार और b=-4√3 है और c बराबर कितना है, 3 है। अब इसमें इसका मान भर दीजिए, देखिए d का d, b कितना है यहाँ पे देखिए 4√3 स्क्वायर है था स्क्वायर, फिर -4 × a 4 लिख लेंगे और c 3 है। अब देखिए यहाँ पे देखिए इसका भी स्क्वायर जाएगा, यानी -4 का स्क्वायर होगा, फिर गुना इस पर भी जाएगा यानी √3 का भी स्क्वायर होगा, फिर इस तीनों को गुना कराइएगा तो कितना आ जाएगा 48। अब यहाँ पे देखिए 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, 4 का स्क्वायर 16 और माइनस माइनस का हो गया प्लस। अब यहाँ पे देखिए स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा का 3 -48, डी का डी यहाँ गुना करा देंगे तो कितना मिलेगा 48 -48। अब देखिए क्या करेंगे, डी बराबर घटेगा तो कितना बचेगा 0, डी का मान का आ गया 0, यानी विविक्तर कितना मिल गया 0। अब देखिए इसका बताना है, मूल की प्रकृति बताना है, तो डी का मान अगर 0 आ जाए तो मूल का जो प्रकृति होता है वास्तविक तथा समान होता है, यानी बराबर होता है। तो यहाँ पे लिख लेंगे ये क्वेश्चन ए का हो गया। अब यहाँ क्वेश्चन बी का आंसर है, देखिए डी का मान 0 आ गया ना, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे मूल वास्तविक तथा बराबर होगा कहे होगा, कहे कि डी का मान 0 है। अब देखिए निकालते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का, इसका तो डी का मान जब 0 आ गया तो अब निकाल रहे हैं मूल्य निकालेंगे। तो मूल निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, देखिए x=-b±√d/2a ये फॉर्मूला होता है। तो x का x बराबर माइनस और b की जगह पर कितना है, b की जगह पर देखिए कितना है, b की जगह पर आपका यहाँ पे देखिए -4√3, तो यहाँ पे लिख लेंगे -4√3, फिर यहाँ प्लस माइनस d की जगह पर कितना आया है, तो देखिए d की जगह पर है 0, तो यहाँ भर लेंगे इसके अंदर 0 और बटा 2 × a, a देखिए a कितना है आपका, तो a का मान है 4, तो यहाँ लिख लेंगे नीचे 4। अब देखिए क्या करेंगे आगे, माइनस माइनस हो गया प्लस, तो यानी हो जाएगा 4√3। अब यहाँ पे देखिए ये 0 का वर्गमूल कितना होता है 0, 0 का वर्गमूल कितना होता है 0, तो यहाँ पे प्लस माइनस का हो जाएगा 0 बटा 4 × 8। अब यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, ये जो है 0 इसको छोड़ दीजिए, कहे कि प्लस माइनस 0 है ना, तो इसको यहाँ तक इसको छोड़ दीजिए, नहीं लिखेंगे, कहे कि 0 है, कोई संख्या रहता तो लिखते हैं। तो अब का बच जाएगा केवल, यहाँ पे बचेगा 4√3 और बटा बच जाएगा 8, तो इसको इससे काट दीजिए कई बार में, 2 बार में, तो मिलेगा का मिल जाएगा, देखिए ऊपर मिलेगा √3 और नीचे मिल जाएगा 2। इसी को एक बार और लिख लीजिए, ये हो गया आपका
दो मूल, और दोनों मूल का है बराबर, है ना। तो आई होप कि यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया है।